द मिल्की वे यानी हमारी गैलेक्सी जिसमें धरती सूरज ये सब है, इसको पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा खाने वाली है। और क्या होगा जब आप दो गैलेक्सी के बीच खड़े हों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दो गैलेक्सी जब भी आपस में टकराती हैं, तो इनमें से जो गैलेक्सी बड़ी होती है वो छोटी गैलेक्सी को अपने अंदर खींच लेती है, क्योंकि बड़ी गैलेक्सी की ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो दोनों मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बन जाती है। और गजब और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हमारी जो गैलेक्सी है द मिल्की वे, वो भी कुछ इसी तरह से बनी है। जब एक बड़ी गैलेक्सी ने छोटी गैलेक्सी को अपने अंदर खींच लिया था, और एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि करोड़ों साल बाद हमारी गैलेक्सी को एक बड़ी गैलेक्सी जिसका नाम एंड्रोमेडा है वो अपने अंदर खींच लेगी और दोनों मिलकर एक बड़ी आकाशगंगा बन जाएगी। हाँ, लेकिन इसे होने में बहुत टाइम है, करीब 400 करोड़ साल बाद ऐसा होगा। और अब बात करें कि अगर आप दो गैलेक्सियों के बीच खड़े हों तो आपको क्या दिखेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्पेस में गैलेक्सी दिखेगी तो आप बिल्कुल गलत हो। उस जगह से आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दो गैलेक्सियों के बीच बहुत ही ज्यादा दूरी होती है, इसीलिए आपको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।